नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के इंटरनेट वाला पढ़ाई ऑनलाइन स्कूल में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में मीनिंग से मीनिंग बनाना सीखेंगे। जैसे ईट हुआ, तो ईट मीन्स खाना होता है। इसमें कुछ और वर्ड जोड़ के नया मीनिंग बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ईट है। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। खाना में अगर इट में एबल जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? खाने लायक या खाने योग्य। अगला क्या है? मूव। मूव मीन्स घूमना, मूव करना यानी घूमना। इसमें प्लस एबल जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? घूमने लायक या घूमने योग्य भी बोल सकते हैं। अगला क्या है? राइट। राइट मीन्स लिखना, और राइट में प्लस एबल जोड़ दिया गया है तो लिखने योग्य हो गया है। क्या हो गया है? लिखने योग्य। फ्रेंड, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अपने वर्ड पावर को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसा कोशिश कीजिएगा कि कोई भी मीनिंग हो उसमें एबल जोड़ के उसका अर्थ निकालना, और ये आप सीख लीजिएगा तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश बोलने लिखने में काफ़ी मदद मिलेगा। अगला क्या है? से यानी कहना। सी प्लस एबल यानी कहने योग्य। आगे स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। अगर स्लीप में एबल जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? स्लीप एबल यानी सोने योग्य। क्या हो जाएगा? सोने योग्य। अगला क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। ड्रिंक प्लस एबल यानी ड्रिंक एबल यानी इसका अर्थ हो जाएगा पीने योग्य। अगला फाइट। फाइट यानी लड़ना। प्लस एबल जोड़ दिया गया तो फाइट टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइट टेबल यानी लड़ने लायक। गो। गो मीन्स जाना होता है। गो में एबल जोड़ दिया जाएगा तो गो एबल यानी जाने लायक। क्या हो जाएगा? जाने लायक। अगला क्या है? कम। कम मीन्स आना। कम में एबल जोड़ दिया जाएगा तो कम एबल हो जाएगा और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आने लायक। अगला वाच है। क्या है? वाच। वाच मीन्स देखना। जैसे मूवीज हम लोग देखते हैं तो मूवीज देखना में देखना का वाच लिखते हैं, तो वाच प्लस एबल यानी वाच एबल यानी देखने लायक इसका अर्थ हो जाएगा। अगला रीड है। क्या है? रीड। रीड प्लस एबल यानी कि क्या हो जाएगा? रीड एबल इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने लायक। अगला सो। सो यानी दिखाना। क्या करना? सो यानी दिखाना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है? अपने आप को सो कर रहा है यानी दिखा रहा है। सो प्लस एबल, सो एबल यानी दिखाने लायक। अगला स्लाइड। स्लाइड यानी फिसलना होता है। क्या होता है? फिसलना। तो स्लाइड प्लस एबल, स्लाइड एबल हो जाएगा और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फिसलने लायक। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे मीनिंग में कोई भी वर्ड हो उसमें एबल जोड़ के उसको क्या कर सकते हैं? आप एक नया मीनिंग बना सकते हैं और अपने इंग्लिश को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। चाहे वो बोलने के लिए यूज कीजिए या लिखने के लिए या पढ़ने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।